वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. वेलकम टू साइनिंग क्लासेस विच इज अ पार्ट ऑफ टीचमेंट. वेरी गुड इवनिंग गाइज. आज हम लोग भारत दर्शन के हरियाणा स्टेट को पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हम लोगों ने कई स्टेट को कम्प्लीट किया था और आज हम लोग हरियाणा को यहाँ से फटाफट कम्प्लीट करते हैं. चलिए तो चलते हैं हरियाणा के शहर पे, फटाफट से एकदम कम्प्लीट करते हैं, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा का. अगर हम भारत में देखें तो ये भारत का सबसे नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, ये भारत का नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा. इसके आसपास के अगर हम देखेंगे कौन कौन से ये स्टेट बाउंड्रीज को शेयर करता है, तो एक तरफ तो यहाँ पे देखिए पंजाब है. अगर हम दक्षिण पश्चिम की तरफ देखें तो ये पूरा एरिया, आप देखिए ये पूरा एरिया राजस्थान के द्वारा यहाँ पे कवर किया गया है. ठीक है, तो ये जो एरिया हो जाएगा राजस्थान का. एक तरफ मुझे हम लोगों को उत्तर प्रदेश यहाँ मिलेगा. अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो नॉर्थ की तरफ हम लोगों को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर देखने को मिलता है. ओके, चलिए आगे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम कैपिटल की बात करें तो इससे पहले वाले क्लास में मैं बता चुकी थी कि हरियाणा और पंजाब का मिलाकर एक ही कैपिटल है, वो भी क्या है, चंडीगढ़. ठीक है, अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें, हरियाणा के सीएम की बात करें, तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे श्री मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर हो जाएंगे बंदारू दत्तात्रेय जी. हरियाणा अपना स्टेटहुड डे 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को यह करता सेलिब्रेट करता है. और आपको जब हम पंजाब स्टेट को पढ़ा रहे थे तभी आपको हम बताए थे कि हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट यहाँ पे मिलेगा, जिसमें क्या देखते हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट देखते हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 22 हो जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी हो जाएगी. रिवर की बात करें तो रिवर यहाँ पे यमुना, घग्गर और साहिब रिवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं. आपको हम बताए थे कि जैसे पंजाब वाला एरिया जो है वो काफी फर्टाइल एरिया है, तो उसी प्रकार से हरियाणा भी बहुत फर्टाइल एरिया है. लेकिन कुछ हिस्सा जो है जैसे दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है वो थोड़ा सा डेजर्ट एरिया में आ जाता है, क्योंकि उसका बॉर्डर जो है वो राजस्थान के साथ शेयर करता है. इसलिए क्या हो गया, वो थोड़ा सा एरिया जो है, मतलब दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है वो थोड़ा सा डेजर्टी टाइप में मिलता है. ठीक है, मतलब प्लेन है लेकिन डेजर्टी टाइप में. ओके, अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 एयरपोर्ट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा जो जिसका नाम है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दूसरा हम लोग यहाँ पे हिसार देखते हैं और तीसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं करनाल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, लेकिन हाँ कभी कभी हिसार और करनाल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम. ठीक है, देखिए पढ़ते तो हम सब है लेकिन हम लोग को एक छोटा सा, मतलब क्या बोलेंगे कि एक स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग को पढ़ना है, बहुत जरूरी होता है. अगर हम यहाँ पे थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रोजन पावर प्लांट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे सारे नहीं पढ़ने, ठीक है, सारे नहीं पढ़ने. इसमें राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जिसकी लोकेशन हमें केदर और हिसार में मिलती है. ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, पानीपत थर्मल पावर प्लांट देखते हैं जो पानीपत में है. ठीक है, और कुछ यहाँ पे है, और महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जो झज्जर नामक जगह पे मिलता है. और उसके अलावा इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे लेक की बात की जाए तो सारे लेक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है. कौन कौन सा लेक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए सुल्तानपुर लेक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और सुखना लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है. अगर हम सुल्तानपुर नाम आता है तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो यूपी में होगा, तो ये यूपी वाला अलग है और ये अलग है. ठीक है, इसी के नाम पे यहाँ पे एक नेशनल पार्क पे देखने को मिलता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क. ठीक है, अब यहाँ पे ये देख के लग रहा है कुछ कि ये नाम चेंज है. गुरुग्राम का ये पहला नाम क्या था, यहाँ पे ये गुड़गांव का पुराना नाम है, सॉरी ये गुड़गांव का जो है ये नया नाम है. ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे. अगर यहाँ पे नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी की बात की जाए तो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, दिया हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन आपको सारे यहाँ नहीं पढ़ने. कौन कौन सा पढ़ना है, तो यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको पढ़ना है. उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ये क्या दिया है, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको पढ़ना है. ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, भिंडवास का देखते हैं. ठीक है, जो कहाँ पड़ेगा, झज्जर में पड़ेगा. ये 3 आपको यहाँ पे याद करनी है. सारे आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पढ़ते तो हर कुछ है, लेकिन जो चीज एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसको पढ़ा कीजिए. उसके बाद देखिए टेम्पल की बात करें तो ये सारे टेम्पल एग्जाम में नहीं आते.
लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, स्थानेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है, ठीक है, भीमा देवी का टेम्पल है, माता शीतला का देवी टेम्पल है और माता मनसा देवी का टेम्पल भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फोक डांस की बात की जाए, ठीक है, फोक डांस की बात की जाए तो यहाँ पे धमाल डांस, जो मतलब एक चांदनी रात में फागुन के समय में इसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लू डांस देखेंगे तो ये होली के टाइम में, होली के टाइम में इसका परफॉर्म होता है। ये छठी डांस, मतलब आप सुने होंगे कि जो बच्चा का जो बच्चे जन्म लेते हैं तो 6 दिन के बाद एक छठियारी बनाई जाती है, ठीक है, वही छठियारी के टाइम में जो डांस परफॉर्म किया जाता है वो क्या है, छठी डांस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक खोरिया डांस, ये कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक जो ओकेशन होता है ना, वेडिंग ओकेशन, उस समय ये परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो मेनली यहाँ पे दो टाइप के एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, एक खरीफ की फसल है और एक है रवि की फसल। तो खरीफ की फसल में अगर हम यहाँ पे देखें, खरीफ की फसल में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे राइस, ज्वार, बाजरा, गुड़, जाई, कॉटन, सुगर कैन, ग्राउंड नट और पल्सेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। पल्सेस के मतलब पल्सेस के खेती में एमपी का नाम पहले नंबर पे आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सुगर सुगर प्रोडक्शन में, ठीक है, सुगर प्रोडक्शन में आगे अभी कौन चल रहा है, तो आगे अभी महाराष्ट्र स्टेट चल रहा है। लेकिन अगर सुगर कैन के बारे में बात की जाए तो सुगर कैन के प्रोडक्शन में अभी भी यूपी ही नंबर वन पर है, ठीक है। रबी की फसल में देखें तो रबी की फसल में वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड एंड पल्सेस यहाँ पे मिलते हैं। फेयर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे देखिए सूरज कुंड मेला यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 2021 में ये बनाया गया था, जो मनाया गया था, उसमें जो फोकस कंट्री थी वो कौन सी थी, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान यहाँ की फोकस कंट्री थी। कहाँ पे है ये, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो फरीदाबाद नामक स्थान पे ये सेलिब्रेट होता है। उसके बाद अगर हम देखें मैंगो फेस्टिवल या मैंगो मेला, ठीक है, फिर उसके बाद बैसाखी मेला, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सूरज कुंड मेला, ठीक है। इसके बाद आपको और बता दें कि यहीं पर खेलो इंडिया का आयोजन किया गया था, ठीक है, खेलो इंडिया का आयोजन यहीं पे किया गया था, जिसका मैस्कोट था यहाँ पे क्या, धाकड़, ठीक है, मैस्कोट क्या था यहाँ पे, धाकड़, याद रहेगा आप लोगों को, बोलेंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट चलिए, कुछ यहाँ पे मतलब ये ज्योग्राफिकल कुछ फीचर्स यहाँ के बारे में बता दूं कि शिवालिक हिल्स से लेकर नॉर्दर्न ईस्ट का जो ये पार्ट हम देखते हैं, मतलब ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अरावली हिल्स देखें तो ये इसके साउथ में होगा, मतलब इसके साउथ में है, और ये काफी, अरावली हिल्स के बारे में बता रही, ये काफी पुरानी मोरदार पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। आपको बता दें कि पहले इसका हाइट बहुत होता था, लेकिन काफी ये क्षय हो गया, मतलब भौतिक क्रियाओं के कारण इसमें काफी क्षय हो गया, और इसका हाइट बहुत ऊंचा था, जो धीरे धीरे करके ये कम हो गया, ठीक है। तो अब ये बहुत हाईस्ट नहीं बोला जाएगा, लेकिन हाँ इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्षतिग्रस्त माउंटेन है वो यही है, और सबसे पुरानी माउंटेन यही है। अगर हम लोग नवीन फोल्ड माउंटेन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, हिमालय का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो इसका साउदर्न एरिया, साउथ वेस्ट एरिया है, जैसे कि आपको बताएं ये सेमी डेजर्ट सैंडी एरिया है, ठीक है, और कुछ एरिया में जहां से नदियां गुजर रही है वो एरिया काफी वहां पे फर्टाइल है, ठीक है। अक्सर देखा गया कि जहां पे फर्टाइल एरिया होती है वहां पे खेती काफी अच्छी होती है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो बीजिंग ओलंपिक हुई थी इस बार, ठीक है, जो बीजिंग ओलंपिक में कुछ मेडल हमारे देश में लाए गए थे, तो यहाँ के कुछ मुख्य खिलाड़ी के नाम आपको हम बता रहे हैं, जो थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक है, उसके बाद बजरंग पुनिया, उसके बाद रवि कुमार दहिया, विनीस फोगाट, ठीक है, विनीस फोगाट, उसके बाद रानी रामपाल भी यहीं से है, रानी रामपाल भी यहीं से है,
कि आपको बता दें कि ये जो मतलब क्रिकेट टीम की ये कैप्टन रह चुकी हैं और अभी ये अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी, ठीक है। फिर मनु भाकर भी यहीं से मिलेंगे, ओके, इस तरह से। और देखा जाए नवजोत कौर या कौर बोलते हैं ना, कौर, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटी है जो कुछ इसमें से बीजिंग ओलंपिक में भाग लिए हैं और हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलवाए हैं, ठीक है। जिनका नाम हम लोग देखते हैं, नीरज चोपड़ा का नाम देखते हैं। तो आप ये बताइए, आपका ये काम होगा कि ये किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। बता दूं, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, जेवलिन थ्रो से ये रिलेटेड है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे यहाँ पे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए भारत दर्शन के कुछ नए स्टेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, गुड बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर।